मैंने यहाँ पे एक ना गाड़ी में सेटअप लगाया हुआ भाई ने वड़ा पाव का, इनसे पूछेंगे कि ये गाड़ी में सेटअप लगाने की वजह क्या है और ये वड़ा पाव आपने भी लगाया होगा, आपका टेस्ट किस तरह का है, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम? जी शुएब, मेरा नाम है शुएब। आपने ये गाड़ी में सेटअप लगाया हुआ वड़ा पाव का? जी जी। कि इसकी क्या खास वजह है? आप सर एक्चुअली इसका सबसे खास वजह ये है कि ये बड़ा डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है और बहुत जल्दी क्विक सर्विस में तैयार हो जाती है। जैसे वड़ा पाव जो है ना बेसिकली इंडिया में तब हुआ था कि जब ट्रेन के ऊपर जब आप क्विक सर्विस में होते हैं, जल्दी जाते हैं, जल्दी तैयार हो जाता है, फास्ट फूड क्विक है ये। अच्छा। इसके अंदर जो वेजिटेबल टिक्की और चटनी के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत जल्दी बन जाता है, बन स्टीम हो जाता है, इसलिए इतनी जल्दी सर्विस की वजह से इसको वड़ा पाव जो है ना ज़्यादा हम इसको डिस्पोजेबल में रखा हुआ है। अच्छा, डिस्पोजेबल। कितनी इसकी प्राइस आपकी है? सर मेरे पास इसमें 3-4 किस्म के हैं क्योंकि अब यार ओरिजिनल देर अबाउट 40 है। हमारे पास VIP है जिसमें बारबेक्यू इंग्लिश सॉसेज डायनामाइट जाती हैं। अच्छा। उसके बाद हमारे पास क्रंच है जो हमारे पास ग्रीन चिली स्पेशल चिली जाती है। उसके अलावा हमारे पास चॉकलेट है जो बच्चों के लिए बनाया है जिसके अंदर मोन्टर लावा की तरह चॉकलेट निकलता है उसके अंदर से, और हमारे पास जो सिंपल जो चटनी बाकी वाला तो मैंने देखा है यहाँ पे कि आपने ना वो उन्होंने लगाया हुआ है सिर्फ जो दूसरा बड़ा पाव जैसे आपने निकाला। जी जी। ठीक है, एक आलू वाली टिक्की होगी, आपकी बड़ी मेहनत है इसमें। जी जी। तो ये चॉकलेट वाला क्या है इसका सीन है? ये सर चॉकलेट वाला बच्चों के लिए निकाला क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते वैसे, अदरवाइज पे स्पाइसी होता नहीं है क्योंकि आलू और वेजिटेबल जो होती है मिक्स होती है वो सब बॉयल होता है, और ये एक समझ लें कि आप डाइट फूड भी है कि आप सुबह दोपहर के टाइम घर से निकलते हैं आपके पास डाइट फूड है, तो आप एक बन के साथ और एक नॉर्मल वेजिटेबल के साथ आप डाइट फूड कर सकते हैं। जो लोग डाइट करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। चॉकलेट वाला बच्चों के लिए इससे निकाला कि वो स्पाइसी खाते नहीं, चटनियाँ वो नहीं खाते, तो इसमें हैंडमेड चॉकलेट है और जो मोन्टर लावा की तरह आलू के साथ वो मिक्स होगी और विद फ्राई होगा, और फ्राई होने के बाद ये बच्चे खाते हैं। ये आप यहाँ पे क्या मतलब कि ये जो आप कोरोना चल रहा है कोरोना की SOPs का अमल भी कर रहे हैं, फॉलो इसको कर रहे हैं आप? सर इंशाल्लाह पूरी कोशिश है सर, हमारे पास सैनिटाइज़र भी हैं, ग्लव्स पहने हुए हमने, और बाकी डेली बेसिस पे जो हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उसको कोशिश पूरी है कि उनको टेस्टिंग होते रहता है। अदरवाइज़ हमारे जो पुलिस है और मीडिया है वो बहुत आती है यहाँ पर और हमें बहुत सपोर्ट करती है, वो आके इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमें साथ साथ बताती भी है, SOPs भी दे रही है हमें, इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इधर के कितनी आप, मैं देख रहा हूँ कि इतना रश नहीं है अभी। जी जी। ठीक है, तो रश के कितने टाइम में लगता है क्लास में? ये होता है सुबह, सॉरी तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सुबह सर जो सुबह लंच टाइम होता है 9 से 12 उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, अलहमदिल्ला थी भी यहाँ पे, और उसके अलावा सर यहाँ पे शुरू होती है सर तकरीबन 4 से ऑनवर्ड 1-2, 12-1 बजे तक शुरू होता है, तो सर वो रात का डिनर भी हो जाता है, लंच भी हो जाता है और ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। रात का भी हो जाता है सारा कुछ इसमें? रात को क्लाइंट बहुत ज़्यादा है इसमें और बड़ी बड़ी दूर से आता है, कोई जोर टाउन से आ रहा है, कोई समनाबाद से आ रहा है, कोई ये सब मीडिया की वजह से है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारे छोटे से कारोबार को बढ़ा रहे हैं और वेरी वेल थैंक यू फॉर मच, और आप तो पहले दिन से ही माशाल्लाह चैनल वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर आपकी कोऑपरेशन। थैंक यू जी। नाज़रीन की बातें सुनी, इनको एक गाड़ी में स्टॉल लगाया हुआ है कि गाड़ी में अपना कारोबार कर रहे हैं कि वड़ा पाव एक जो बड़ी रेसिपी है, इंडियन रेसिपी है, इसको पाकिस्तान में लाया गया और लोग बड़े मज़े से खा रहे हैं। अजीज आपको दिखाया कि ये वड़ा पाव किस तरह तैयार होता है और किस तरह ये बनाते हैं, ये एक इंडियन रेसिपी है फिर भी ये पाकिस्तान में लाई गई है कि वड़ा पाव जो है ना पाकिस्तान टेस्ट करें इसका। यहाँ पे काफ़ी लोग गाड़ियों में आते हैं और खाते पीते हैं, ये सारा वड़ा पाव खाते हैं, और लिहाजा हम भी इसके बाद जो है ना टेस्ट करेंगे वड़ा पाव का। आपका मेज़बान आकिफ तारिक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।